জামগুৰিহাট কমিপৰ সিজুসাত কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র ইয়াদব রাষ্ট্রীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রাধিকরণের বিশসংখ্যক সভাত উপস্থিত হয়। জামগুৰিহাট সমীপর অরুণাচল সীমান্তবর্তী সিজুসাত আজিরপর দুদিনিয়া কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রাধিকরণের বিশসংখ্যক সভা। উক্ত সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করে কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবে বিশাল জৈব বৈচিত্র্য আর 80% বনভূমিরে পরিপূর্ণ বনজ সম্পদ সমূহ জনসাধারণের সহযোগের সংরক্ষণ আহ্বান জানায়। মন্ত্রীগী অরুণাচল প্রদেশের উন্নয়নের গতি লাভ করেছে আর অরুণাচল বিকাশের বাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় পরিবেশ বন আর বতর সলনি দপ্তর রাজ্যিক মন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে। অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমা খান্ডু, অরুণাচল প্রদেশের পরিবেশ আর বনমন্ত্রী মামা নাতুং প্রমুখে বিশিষ্ট লোকসকলে অংশগ্রহণ করার সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আদরণি ভাষণত কেন্দ্রীয় পরিবেশ বন আর বতর সলনি দপ্তর সঞ্চালক প্রধান আর বিশেষ সচিব চন্দ্র প্রকাশ গোয়েলে প্রথমবার দিল্লির বাহির অরুণাচল প্রদেশের পাকে ব্যাঘ্র রিজার্ভর অতিথি খালাত অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রাধিকারীর বিশসংখ্যক সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে। অরুণাচল প্রদেশের লোক নৃত্য পরিবেশন করা উদ্বোধনী সভাত আজি বিরাশিটা এয়ারগান সমর্পণ করা সকলের কেজনমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবে বন বিভাগ হয়ে প্রশংসাপত্র প্রদান করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত জ্যেষ্ঠ বন বিষয়া অভিনব কুমারে অরুণাচল প্রদেশের বনভূমির খতিয়ান দাঙি ধরে। इसमें जो दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो जानवरों का शिकार होता है उस बड़ी चुनौती है। और इतना बड़ा कार्यक्रम एक अरुणाचल प्रदेश ने पूरी दुनिया को एक विषय दिखाया कि हम जन भागीदारी के द्वारा कैसे कर सकते हैं। मैं अरुणाचल के मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ कि उनके मोटिवेशन से ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बना है। और पिछले दिनों में बांदीपुरा श्रीनगर भी गया था, मैं मणिपुर भी गया था और ये जो गन सिलेंडर का प्रोग्राम है ये बाकी प्रदेशों में भी शुरू हुआ। और अरुणाचल का गन सिलेंडर तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी उसका उल्लेख किया है। तो मुझे लगता है जिस तरह हम वाइल्ड लाइफ क्राइम के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं और ये जो जानवरों की जो स्मगलिंग होती है, उनकी जो हत्या होती है, उसके खिलाफ हम एक पूरे देश में वातावरण बनाना चाहते हैं और अरुणाचल का ये जो उदाहरण है ये सब लोगों के लिए प्रेरणा का पक्ष है। सही है, मेन और एलिमेंट जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा फरवरी में एक बड़ी गाइडलाइन भी करी है, उसके लिए विशेष टास्क फोर्स भी बनाई है और हम चाहते हैं कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कम हो। हमारे डिपार्टमेंट में भी उसके द्वारा प्रयास है। सर, जैसे आप अरुणाचल में आए हैं तो जैसे सीएम सर ने भी अभी बात रखी है रिगार्डिंग रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर, तो यहाँ के लोग काफी फेस कर रहे हैं, तो इसको लेकर है उसकी प्रक्रिया है, मेयर साहब अपने स्टेट में बात करेंगे, रेशनलाइजेशन होगा तो हम केंद्र में सहानुभूति पूर्वक विचार करें। सर, मेजर इशू क्या डिस्कस करेंगे? ये एनटीसी एनटीसी की ये मीटिंग होती है जिसमें देश भर में हमारे 52 टाइगर रिजर्व हैं, उनमें से 14 टाइगर रिजर्व को इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिला है, उसके फंड की, उसकी मैनेजमेंट की, वहाँ कंजर्वेशन के प्रोग्राम की, वहाँ के बायोडाइवर्सिटी की, वहाँ की वाइल्ड लाइफ की, वहाँ के लोगों की भागीदारी का ये जो एजेंडा होता है उस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। देश में हम रोजगार उत्पादन के लिए, विकास के लिए पूरी तरीके से लगे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्रम मंत्रालय भी मेरे पास है। हम लोगों ने 27 करोड़ लोगों का ई श्रम के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया है और बड़े स्तर पर सामाजिक सुरक्षा को लेकर के काम कर रहे हैं। जिन मजदूरों ने ई श्रम का रजिस्ट्रेशन किया उनको हम लोगों ने एक इंश्योरेंस भी कवर कराया, उसके अतिरिक्त ही देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जिसे श्रम को आगे करा है। रोजगार की दृष्टि से भी लेबर ब्यूरो के द्वारा सर्वे किए जा रहे हैं, वे दर्शाते हैं कि देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का काम हमारी सरकार उज्ज्वला किसान पीएम किसान वो
भी सरकार की कल्याणकारी योजना है, क्योंकि मोदी जी की सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, समाज के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना है। भी डेवलपमेंट में होता सही है, और जो लोग हैं लोग को भी ठीक ढंग से रहने के लिए जगह मिलना सही है, इसमें भी क्या बोलेंगे सर? देखिए, क्योंकि फॉरेस्ट जो है हम लोगों का एक एसेट है, वो हम लोगों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से हम लोगों को देखना होगा, ना ही एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ में। सो अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, हम सभी लोगों का यही एक प्लानिंग है कि अपना नेचुरल रिसोर्सेस जैसे कि फॉरेस्ट को बचाते हुए अपने जो यहाँ पे लोग बसे हुए हैं उसको भी इकोनॉमिकली कैसे हम लोग स्ट्रेंथनिंग करके उसको इकोनॉमिकली और भी सक्षम बनाते हुए फॉरेस्ट को भी बचाएं, बायोडाइवर्सिटी को भी बचाएं और लोगों का भी विकास हो, इस तरह का अभी हम लोग प्लानिंग और काम चल रहा है। बाकी सब पक्के के बारे में क्या बोलेंगे? पक्के टाइगर रिजर्व बोला सर, आप खुद ही बोल लीजिए। पाकी टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश का शान है, तो ये बहुत ही अच्छा रिजर्व है। आने वाला दिनों में यहाँ में जो इको टूरिज्म का जो मॉडल चलेगा, डेफिनेटली बहुत एक सस्टेनेबल मॉडल में जाएंगे। इससे अपना यहाँ के खास करके जो लोकल जो इनहिबिटेंस है अपना यहाँ का, उसको इकोनॉमिकली भी काफ़ी बेनिफिट होगा, और यहाँ में जितनी भी जो अपना बायोडाइवर्सिटी है उसको भी हम लोग प्रोटेक्शन अच्छे से हम लोग कर पाएंगे। थैंक यू। कभी भी दिल्ली से बाहर नहीं है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम दिल्ली से बाहर होकर के अपना छोटा सा एक जगह में पके किसी में आया है, पके टाइगर में आया है, तो मैं उन सभी टीम को, अपना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को, और अपना मामानतों जो मिनिस्टर है, अपना फॉरेस्ट मिनिस्टर है तुलसी भाई जो उनका एडवाइजर है, साथ साथ में सारा जो टीम है, यूनियन मिनिस्टर अपना यादव जी है, अश्विनी जी है, और उनका सारा टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे छोटे ही जगह में आ करके इस NTCA का मीटिंग को यहाँ कराया है। अब देखा हुआ कि इतना यूनियन मिनिस्टर यहाँ से कहाँ है, और इसके पहले भी हम लोगों ने आप देखा होगा पके में यहाँ पे कैबिनेट का फर्स्ट टाइम मीटिंग हुआ था अरुणाचल में, अरुणाचल का फर्स्ट टाइम आउटडोर जो कैबिनेट मीटिंग हुआ था, ये अपना उसी जगह में वेस्ट बंगल में ही हुआ था, तो मैं सब क्रेडिट अपना सभी टीम अपना चीफ मिनिस्टर को मैं देना चाहूँगा। सर, जो टाइगर पाके टाइगर रिजर्व जो है ये तो पूरा फेमस है, तो आज का मीटिंग में इसको प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं? वैसे तो हम लोगों को उनका मीटिंग में हम लोगों को बैठा है, वो अपना हम लोगों ने वेलकम किया उन लोगों को, उससे जहाँ का जो उन्होंने यहाँ मीटिंग कंडक्ट किया है उनको सिर्फ हम लोग थैंक यू आया थैंक किया है, और जो अभी अंदर का मीटिंग है वो लोग अपना आपस में क्या होगा वो फिर हम लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरा एक बात कहना चाहूँगा, मैं लास्ट टाइम भी थैंक्स दिया था अपना और अपना आसाम के चीफ मिनिस्टर को, जो अपना अरुणाचल और आसाम बाउंड्री है जो इतना पीसफुली अभी जो लेके जा रहा है, मैं चाहूँगा कि आसाम काउंटर पार्ट भी उससे सहमत हो, हिमंता बिस्व शर्मा जी का और अपना पेमा खांडू जी का, जो एक तरीका इतना लॉन्ग पेंडिंग एक सीमा का एक विवाद था उसको आउट ऑफ कोर्ट में सुलझाने के लिए कोशिश कर रहा है, इसमें सारा पब्लिक आसाम और अरुणाचल का जो कि हम लोग भाई भाई है उसको सब मिल करके हम लोग सुलझाना चाहिए, और आपका मीडिया फ्रेंड लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका जरिए से भी इसको अवेयरनेस करें कि अरुणाचल और आसाम का बाउंड्री का जो ये डिस्प्यूट है वो पीसफुली सॉल्व हो। मैं यही आप लोगों का तरफ से आसाम का और अरुणाचल के वासियों को